हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हां दोस्तों, अभी रिसेंटली आपका 7 जनवरी 2021 को एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 7 जनवरी 2021 के दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया, जीवन की सबसे छोटी इकाई है, कोई भी जीव हो उसके लाइफ का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? तो सर, सेल होता है, यानी कि कोशिका होता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी जीव के बारे में पूछा जाए कि किसी जीव का जीवन जो है उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है, आप सभी कहेंगे कोशिका होता है। पिछले कई शिफ्ट में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे, सर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज करा। मेरे मित्र, यहाँ पे थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा, रॉबर्ट हुक ने किस टाइप की कोशिका की खोज की, मृत या जीवित? तो आप सभी कहेंगे सर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जबकि ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज करा। तो हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने करा, तो आप सभी कहेंगे ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने। मेरे मित्र, कोशिका से संबंधित दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ध्यान में रखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है। नो डाउट आप सभी को मालूम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या कहलाती है, आत्महत्या की थैली कोशिका के किस भाग को बोलते हैं या कोशिका के किस अंग को बोलते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं सर? आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आप इन सब छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, मे बी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो ये कि धन आवेश कहलाते हैं, लेकिन फंस जाइएगा मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा, हम लोग आयन किसको बोलते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश और निगेटिव चार्ज ऋण आवेश दोनों को क्या बोला जाता है सर? आयन बोला जाता है। ध्यान में रखना है कि आयन हम लोग किसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं सर? आयन बोलते हैं। मेरे मित्र, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं, और निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धन आवेश कहलाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कहते हैं? केटायन। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन में केटायन जरूर रहा होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केटायन, यानी कि धन आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं सर? केटायन बोलते हैं। अगर ये पूछ लिया जाता कि ऋण आवेश को क्या बोला जाता है, तो आप सभी कहते हैं एनायन बोला जाता है। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि आपका जो तत्व इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो हमेशा क्या बनाता है सर? धनायन बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हमेशा क्या बनाता है सर? एनायन बनाता है, यानी कि ऋण आवेश बनाता है या ऋण आयन बनाता है। मेरे मित्र, एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मेटल हैं, जितने भी आपके पास धातु हैं, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इसीलिए धातुएँ हमेशा क्या करती है सर? पॉजिटिव आयन बनाती है, यानी कि केटायन बनाती है, जबकि जितना भी आपका नॉन मेटल है, जितना भी आपका अधातु है, वो सब के सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसीलिए जितनी भी अधातुएं हैं सब के सब क्या करती है सर? ऋणायन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि निगेटिव आयन बनाती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज देख रहे हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि धन आवेश और ऋण आवेश की खोज किसने करा था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने करा था।
किसने करा था सर? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने करा था। कब करा था? 1789 में, 1789 में करा था। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का खोज किसने करा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा। कब करा सर? 1789 में करा। आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैंने आपको पीछे के वीडियो सेशन में बताया था कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड्डी से हड्डी को किसके थ्रू जोड़ा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने अच्छे से बताया था कि सर आपका आंसर होगा स्नायु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं सर? हम लोग लिगामेंट कहते हैं। और आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपका जो हड्डी होता है सर, आपका जो क्या होता है, हड्डी होता है, वो एक दूसरे के साथ किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है? तो सर लिगामेंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि हड्डी और मांसपेशी एक दूसरे के साथ किसके थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हड्डी और मांसपेशी एक दूसरे के साथ टेंडन के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। मैंने ये बात आपको पीछे के वीडियो सेशन में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा और आपका एग्जाम रहा होगा 7 जनवरी को, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटा होगा। तो इस दोनों ही चीज़ को आप गांठ बांध लेंगे। हड्डी से हड्डी लिगामेंट स्नायु के सहारे जोड़ा जाता है, जबकि हड्डी से मांसपेशी एक दूसरे के साथ कटरा या फिर टेंडन के सहारे जोड़ा जाता है। टेंडन का ही हिंदी क्या होता है सर? कटरा होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा सवाल, आप सभी इसको याद करते रहते होंगे। आपसे पूछा जा रहा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नो डाउट, कहने की कोई जरूरी नहीं है, आप सभी को मालूम होगा सर, चार्ल्स डार्विन। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल प्राइज मिला, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर सीवी रमन। सीवी रमन पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिसको क्या मिला था सर? नोबेल प्राइज मिला था। एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे और भी क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया, जीवाणु की छोटी इकाई, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होगी सर? उसकी कोशिका होती है, सेल होती है। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या होगा सर? सेल ही होगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, संवेग है, मेरे मित्र आप सबों को पता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं सर? संवेग कहते हैं। और संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संवेग है, तो आपके ऑप्शन में एम भी जरूर रहा होगा। क्या रहा होगा सर? एम भी जरूर रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है सर? M4 द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? वस्तु का द्रव्यमान। और V4 वेग, यानी कि वस्तु जिस वेग से चल रही है। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, संवेग क्या है आपका? एक सदिश राशि है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संवेग का SI यूनिट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर? सर मास का SI यूनिट होता है kg, और वेग का होता है सर मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड किसका SI यूनिट हो जाएगा सर? संवेग का SI यूनिट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपका जो संवेग है वो क्या है सर? एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है सर? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नियॉन, आर्गन, सोडियम एवं हीलियम में से भिन्न चुने, क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नियॉन, आर्गन, सोडियम और हीलियम में से भिन्न कौन सा होगा? आप कहेंगे कि सर नियॉन क्या है? अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है सर? अक्रिय गैस है। सोडियम क्या है सर? धातु है। हीलियम क्या है सर? अक्रिय गैस है। तो आप खुद बताइए कि आपका भिन्न कौन सा होगा। आप सभी कहेंगे सर सोडियम होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सोडियम हो जाएगा।
मेरे मित्र आप ये भी कह सकते हो कि नियॉन, आर्गन और हीलियम क्या है सर? अक्रिय गैस है, तो ये किस में पाए जाएंगे? तो सर आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाए जाएंगे। जबकि सोडियम जो है ये आपका किस में पाया जाएगा? तो सर वर्ग 1 में पाया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपके पास टोटल 6 नोबेल गैस एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, जो कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाया जाता है। और ये सभी के सभी क्या होते हैं सर? अक्रिय गैस होते हैं और किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मेरे मित्र ये भी ध्यान में रखिएगा कि वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी बोला जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी में शून्य वर्ग होते हैं, तो आप क्या कहिएगा सर? वर्ग 18 जो है वो क्या होते हैं? शून्य वर्ग होते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो ये कि उच्च तापमान किससे मापा जाता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता कि तापमान किससे मापा जाता है तो आप थर्मामीटर कह सकते थे, बड़ा ही आसान से। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च तापमान किससे मापा जाता है, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है सर? हाई टेम्परेचर मापा जाता है, यानी कि उच्च तापमान को मापा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे और भी क्वेश्चन है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा गया? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये चीज़ आपसे पूछा गया, तो ध्यान में रखेंगे कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सर मस्का डोमेस्टिका होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे ये नाम याद ही नहीं होगा, तो भाई मेरे आपसे पूछा जा रहा है घरेलू मक्खी, तो मक्खी कहाँ पे रहता है? घर में रहता है। तो पहला चीज़ डोमेस्टिका इसमें लगाइएगा ही लगाइएगा। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि मक्खी आपके कान के आसपास या आपको अगर कहीं पे घाव वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे आके भिन भिन आते रहता है, मतलब क्या कि मस्का लगाते रहता है ताकि आप अपने घाव पे उसको बैठने दो और उसका भरण पोषण हो पाए। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि मक्खी मस्का लगाते रहता है, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे? तो सर याद रखेंगे मैंगीफेरा डोमेस्टिका। ये क्या होता है सर? आम का वैज्ञानिक नाम होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे? तो सर याद रखेंगे कैनिस फैमिलीरीज। क्या याद रखेंगे? कैनिस फैमिलीरीज। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो भाई इसका याद रखेंगे फेलिस कैटस। क्या याद रखेंगे सर? फेलिस कैटस। आप कहेंगे इतना याद रहेगा कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस होगा, तो ध्यान दीजिएगा बिल्ली कूदता ज़्यादा है, कहीं भी रहेगा वहाँ से धराम से कूद जाता है, मतलब फॉल करता है, तो बिल्ली फॉल ज़्यादा करता है, गिरता ज़्यादा है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा सर? फॉल से फेलिस आप याद रख लीजिएगा और कैट से आप कैटस याद रख लीजिएगा। तो आप इस चारों वैज्ञानिक नाम को भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, खैर ये तो आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है ग्रेविटी, और फिर दिया हुआ है डिस्कवरी, और फिर दिया हुआ है मोबाइल, और आपसे पूछा जा रहा है कि अब इस जगह पे क्या होगा। तो आप सभी को मालूम है कि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का क्या हुआ था? खोज हुआ था, डिस्कवरी हुआ था। लेकिन मोबाइल फोन का क्या हुआ सर? आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ। तो आपके ऑप्शन में इन्वेंशन जरूर रहा होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेंशन हो जाएगा। कैसे? तो सर ग्रेविटी का खोज हुआ और मोबाइल फोन का क्या हुआ सर? इन्वेंशन हुआ। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अपरूप किसको बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि सर ऐसा तत्व जिसका कुछ गुण एक दूसरे से क्या होता हो सर? समान होता हो, मिलता जुलता हो। आपसे पूछा जा रहा है कार्बन का अपरूप, तो जनरली कार्बन के 3 अपरूप आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आप याद रखेंगे हीरा, दूसरा आप याद रखेंगे ग्रेफाइट, तीसरा आप याद रखेंगे बकी बॉल, जिसको हम लोग और ज़्यादा अच्छे से बकी मिस्टर फुलेरिन भी बोलते हैं।
ध्यान में आपको ये भी रखना है कि कार्बन का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कार्बन के किस अपरूप में होता है, तो सर बकी बॉल में होता है। इसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं और बकी बॉल को ही क्या बोला जाता है सर, बकी मिस्टर फुलेरीन बोला जाता है। तो कार्बन के 3 अपरूप बड़ा ही पॉपुलर अपरूप हैं, पहला आपका हीरा, ग्रेफाइट और बकी बॉल, तीसरा आपका बकी बॉल। तो आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर रहा होगा, आप अपने हिसाब से इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 287 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 287 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन पर निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके आधार पर निकलता है। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2, 8 और 7, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर। तो आप कहेंगे सर ये तो सब के सब इलेक्ट्रॉन है, तो कितना टोटल है, आप कहेंगे सर 17 इलेक्ट्रॉन है। मेरे मित्र आपको ये भी मालूम होगा कि कोई भी परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि किसी भी तत्व में या किसी भी परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और समान संख्या में क्या होते हैं सर, प्रोटॉन भी होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सर इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इस परमाणु में प्रोटॉन कितना होगा, भाई मेरे 17 ही होगा। आप सभी को मालूम है क्या कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उसके प्रोटॉन की संख्या से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब क्या कि जिस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसका परमाणु संख्या कितना है, आप कहेंगे सर 17। तो आप बताइए कि 17 किस तत्व का परमाणु संख्या है, क्लोरीन का। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर एक दो क्वेश्चन और भी हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 को देखने से पहले पीछे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे मैंने आपको फ्लो में क्या बता दिया कि आम का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा डोमेस्टिका होता है। सर यहाँ पे जो डोमेस्टिका है इसको आप काट करके सुधार करेंगे, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है, तो आप इसको सुधार कर लेंगे। आपसे जो अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि श्वसन संबंधी रोग किससे होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र श्वसन संबंधी रोग मतलब सांस लेने में तकलीफ, तो सांस आप किसको लेते हैं, सांस के रूप में हवा को लेते हैं, तो वायु में अगर प्रदूषण होगा तभी ना आपको श्वसन संबंधी रोग होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा और लॉजिकल क्वेश्चन था कि श्वसन संबंधी रोग किससे होता है, तो आप सभी कहेंगे सर वायु प्रदूषण से होता है, यानी कि एयर पॉल्यूशन से होता है। ध्यान में रखिएगा कि जल प्रदूषण से क्या होता है सर, तो जल प्रदूषण से जनरली संक्रामक रोग होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह के चलते। मृदा प्रदूषण, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा आपका पॉल्यूट हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो फिर जो फसल है वो सही से ग्रोथ नहीं करेगा, सही से उसका विकास नहीं हो पाएगा और आपकी जो खेती है वो प्रभावित होगी। और ध्वनि प्रदूषण आप सभी समझ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण के बीच में है तो सर दर्द करना शुरू हो जाएगा या हार्ट अटैक भी आ सकता है, या आपको कम सुनाई पड़ सकता है, या आप हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो सकते हैं। तो ये सब प्रभाव हैं किसके सर, ध्वनि प्रदूषण के लिए। और ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं सर, पेड़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है। आपका ऑप्शन है पेपर, ALU, CPU, लैंग्वेज। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, ALU इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। और ये किससे संबंधित है सर, कंप्यूटर से। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये भी किससे संबंधित है, कंप्यूटर से। लैंग्वेज, तो कंप्यूटर में सर हाई लेवल और लो लेवल दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज, CPU और ALU कंप्यूटर से संबंधित हैं, जबकि पेपर जो है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहां तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको फिर से पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो पाए, एग्जाम से पहले वो एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न देख पाए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह
करके एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।